हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैथमेटिशियन शो। फ्रेंड्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज के इस वीडियो में हम लोग मानू बीएड उर्दू के बारे में अहम जानकारी हासिल करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हर सेंटर पर कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, कितने बच्चे एबसेंट रहे हैं, कितने रैंक पर कौन सा सेंटर आप लोगों को अलॉट हो जाएगा, उसके बाद कितने रैंक वाले का फर्स्ट लिस्ट में नाम आएगा, कितने रैंक पर आपका दरभंगा में एडमिशन हो जाएगा, कितने रैंक पर हैदराबाद में एडमिशन होगा। इस तरह से जितना भी सेंटर है वहाँ वहाँ कितने रैंक पे आपको एडमिशन मिल जाएगा आसानी से, ये सारी बातें मैं इसमें बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने पॉलीटेक्निक डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के बारे में इसी तरह का वीडियो बनाया था, जो एकदम सही साबित हुआ। जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया था उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही साबित हुआ, और मैंने बताया था कि 251 रैंक तक का जिसका भी होगा उसको दरभंगा अलॉट हो जाएगा, और जो फर्स्ट ट्रेड चुने होंगे यानी जो भी इंजीनियरिंग का ट्रेड चुने होंगे उसको वो अलॉट हो जाएगा जिसका रैंक 250 या उससे कम होगा। और वैसा ही हुआ, उसको अलॉट भी हुआ, हालांकि उससे ज़्यादा हुआ। मैंने ये भी बताया था कि 251 तो गारंटीड है कि हो ही जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा भी हो सकता है अगर कोई स्पेशल कैटेगरी से आता है। तो ऐसा हुआ, 350 तक जिनका रैंक था उनको सेम जो उन्होंने सेंटर चुना था, फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, वहाँ उसका एडमिशन यानी दरभंगा में एडमिशन भी हो गया, और जिस ट्रेड को चुना था वही ट्रेड उनको अलॉट भी हुआ। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए, मैं जो इन्फॉर्मेशन दूंगा उस पर आप पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आसनसोल में जो सेंटर है, एग्ज़ाम सेंटर, वहाँ 195 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था एंट्रेंस एग्ज़ाम। औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ 8 बच्चों ने एंट्रेंस दिया है। आज़मगढ़, इस सेंटर पर 33 बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। बेंगलुरु, यहाँ से 7 बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। भोपाल, यहाँ से 2 बच्चों ने एंट्रेंस दिया है। बीदर, यहाँ से 2 बच्चों ने एंट्रेंस दिया है। उसके बाद कटक, यहाँ से 4। दरभंगा, यहाँ से सबसे ज़्यादा बच्चों ने एंट्रेंस दिया है दरभंगा से, कुल 430 बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। उसके बाद आते हैं दिल्ली, यहाँ से 113 बच्चों ने एंट्रेंस दिया। हैदराबाद 36। जम्मू यहाँ से 4। कड़प्पा, यहाँ से कोई भी बच्चा एंट्रेंस नहीं दिया है। किशनगंज 153। लखनऊ 46। नू 32। पटना 233। रांची 23। संबल, यहाँ से 53। और श्रीनगर इस सेंटर से 13 बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। तो कुल मिला के मानू का जो है 80 सेंटर है, उसमें से कड़प्पा में किसी बच्चे ने एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया, बाकी हर जगह बच्चे मौजूद थे। और 12 राज्य और दिल्ली एनसीआर, ये 12 राज्य में और दिल्ली एनसीआर में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है मानू का, और टोटल सेंटर 18 है, ये आपको पता है। अब हम लोग स्टेट वाइज जान लेंगे कि किस स्टेट से कितने बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, इससे हमको पता चल जाएगा कि कितना रैंक पर किस बच्चे का कहाँ एडमिशन हो जाएगा। स्टेट वाइज में झारखंड
यहाँ से 23 बच्चों ने एंट्रेंस दिया है, उसके बाद दिल्ली एनसीआर यहाँ से 113 और उड़ीसा यहाँ से 4, हरियाणा 32, कर्नाटक 9, महाराष्ट्र 8, यूपी 132, जम्मू एंड कश्मीर यहाँ से 17, वेस्ट बंगाल 195, एमपी मध्य प्रदेश यहाँ से 2 बच्चे ने एंट्रेंस दिया है, बिहार बिहार में 3 सेंटर है और तीनों सेंटर मिला के टोटल 816 बच्चों ने एंट्रेंस दिया है, और तेलंगाना 36 बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। तो ये स्टेट वाइज हो गया। कुल मिला के आप लोगों को पता होगा कि 1387 बच्चों ने एंट्रेंस दिया है और टोटल सीट्स अवेलेबल है 81 उर्दू का, ठीक है, ऑल सेंटर का मिला के, और एब्सेंट रहे हैं 278 बच्चे। तो खैर एब्सेंट रहे हैं तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, जितना बच्चे दिए हैं उनको हम लोगों को देखना है। तो अब देखते हैं कि तो 81 सीट्स टोटल है, हर सेंटर पे कितना कितना सीट है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हरियाणा में जो है 6 सीट है, ठीक है, और यहाँ 32 बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। तो हरियाणा में उस बच्चे का हो जाएगा, हरियाणा में जो सेंटर है नू वहाँ एडमिशन उसी बच्चे का होगा जो बच्चे हरियाणा से एग्ज़ाम दिए होंगे और उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस नू को चुना होगा और उसका रैंक 540 या उससे कम होगा। जिस बच्चे का रैंक 540 या उससे कम होगा उस बच्चे ने एंट्रेंस एग्ज़ाम में पहला जो एडमिशन के लिए सेंटर चुना होगा, कैंपस चुना होगा, नू चुना होगा, तो उस बच्चे को नू अलॉट हो जाएगा। कर्नाटक में जो कैंपस है वहाँ भी 6 सीट है उर्दू का और 9 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। तो कर्नाटक से एग्ज़ाम देने वाले बच्चे ने फर्स्ट प्रेफरेंस अगर कर्नाटक बीदर का जो कैंपस है उसको दिया होगा और उनका रैंक 952 या उससे कम होगा, उसका एडमिशन इस कैंपस में हो जाएगा। जिस बच्चे ने फर्स्ट प्रेफरेंस कर्नाटक चुना होगा उसी का, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र औरंगाबाद, औरंगाबाद में भी 6 सीट है, ठीक है, और यहाँ बच्चों ने 8 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। तो यहाँ जिस बच्चे का रैंक 936 या उससे कम होगा उसका एडमिशन महाराष्ट्र औरंगाबाद में हो जाएगा, शर्त यह है कि फर्स्ट प्रेफरेंस उसने महाराष्ट्र को चुना होगा तो, ठीक है। उसके बाद यूपी, उत्तर प्रदेश, यहाँ जो संभल में है कैंपस वहाँ एडमिशन उस बच्चे का होगा जो जिसका रैंक 38 या उससे कम होगा और फर्स्ट प्रेफरेंस उसने यूपी संभल को चुना होगा एडमिशन के लिए, उस बच्चे का हो जाएगा, ठीक है, एडमिशन यूपी में। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में भी 6 सीट है, यहाँ भी 6 सीट है यूपी में भी, तो जम्मू कश्मीर में 6 सीट है और जिस बच्चे का रैंक 486 या उससे कम होगा, ठीक है, और उस बच्चे ने जम्मू कश्मीर के सेंटर को फर्स्ट प्रेफरेंस एडमिशन के लिए चुना होगा, ठीक है, तो उसका एडमिशन जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगा। उसके बाद आते हैं वेस्ट बंगाल, आसनसोल, ठीक है, यहाँ है 13 सीट,
टोटल उर्दू का, और यहाँ बच्चे ने 195 बच्चे ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। तो जिस बच्चे का रैंक 126 या उससे कम होगा और फर्स्ट प्रेफरेंस एडमिशन के लिए उसने वेस्ट बंगाल चुना होगा, ठीक है, तो उस बच्चे का एडमिशन यहाँ वेस्ट बंगाल आसनसोल में हो जाएगा और फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा। मध्य प्रदेश में भी 13 सीट है और सिर्फ 2 बच्चों ने एंट्रेंस दिया है, तो यहाँ एडमिशन के लिए किसी भी बच्चे का रैंक अगर 1387 या उससे कम होगा, यानी टोटल जितना भी लिस्ट में नाम आया है उनमें से जिस बच्चों ने मध्य प्रदेश भोपाल को फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में चुना होगा उसका एडमिशन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं तेलंगाना हैदराबाद, यहाँ भी 13 सीट है उर्दू का और यहाँ 36 बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, तो यहाँ जो एग्ज़ाम दिए बच्चे उन बच्चों ने अगर फर्स्ट प्रेफरेंस तेलंगाना हैदराबाद को एडमिशन के लिए चुना होगा और उसका रैंक 686 या उससे कम होगा, तो उन बच्चों का एडमिशन आसानी से तेलंगाना हैदराबाद में हो जाएगा। उसके बाद आते हैं बिहार, सबसे ज़्यादा कंपटीशन बिहार में ही है, ठीक है, तो बिहार में यहाँ दरभंगा कैंपस है और यहाँ भी सिर्फ 13 सीट है उर्दू का और यहाँ बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं 816, तो यहाँ अगर किसी बच्चे का रैंक 28 या उससे कम होगा तो उस बच्चे का एडमिशन बिहार में हो जाएगा दरभंगा कैंपस में आसानी से, ठीक है। तो ये मैंने आपको हर एक कैंपस वाइज बता दिया कि कहाँ एडमिशन हो जाएगा कितना रैंक पे, लेकिन ये शर्त याद रखिएगा कि फ़र्स्ट प्रेफरेंस जिसने भी उस कैंपस को चुना होगा, तो जैसे दरभंगा में एडमिशन लेने वाले बच्चे का रैंक 28 या उससे कम होना चाहिए और फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में अगर वो दरभंगा को चुने होंगे तो ही उनका एडमिशन यहाँ हो पाएगा। उनका रैंक 26 भी हो जाए और उन्होंने दरभंगा को नहीं चुना होगा, ठीक है, उन्होंने मान लीजिए कि हैदराबाद को चुना होगा, तो उनका एडमिशन वहाँ होगा, दरभंगा में नहीं होगा, ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस मायने रखता है, ये बात याद रखिए। और यहाँ से जैसे कि उड़ीसा, दिल्ली और झारखंड, यहाँ जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं बच्चे, इन सभी का जैसे भोपाल है मध्य प्रदेश में, यहाँ सीट बहुत सारा बचेगा तो यहाँ भेज दिया जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए और मानू एडमिशन में लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और ये वीडियो अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनका कन्फ्यूज़न दूर हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।